हेलो एवरीवन, इस मेकअप लुक को करने से पहले अपने फेस और अपने लिप को मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। तो मैं यहाँ पे फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र, और लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेविया का लिप बाम। तो चलिए अब मैं आपको इस मेकअप लुक के बारे में बता देती हूँ। तो ये मेकअप लुक बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर या फिर वेडिंग गेस्ट के रूप में भी इस मेकअप लुक को कर सकते हैं। फिलहाल ये मेकअप लुक मैं कर रही हूँ करवा चौथ के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैं यूज़ लगा रही हूँ अपने फेस पे कोकोनट ऑयल पैरासूट का। तो हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल क्यों लगा रहे हैं, आप अपना कोई सा भी फेवरेट ऑयल लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपका मेकअप जो है काफ़ी फ्लॉलेस होगा और आपको मेकअप रिमूव करने में आसानी होगी। और कोई भी अगर आपका मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से आपके फेस पे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो भी नहीं होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ऑयल को यूज़ करने के। तो ऑयल लगाने के बाद मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर लगा रही हूँ अपने पूरे फेस पे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर के थ्रू निकल जाए और उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट कर सकें। तो मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने आईब्रोज़ को हाईलाइट करती हूँ। तो मैं यहाँ आज आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल का। तो दोनों आईब्रोज़ पे आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद अब मैं ब्लैक आई शेडो लगा रही हूँ अपने आईब्रोज़ पे, जिससे कि मेरी आईब्रोज़ और भी ज़्यादा बोल्ड दिखें और भी ज़्यादा डार्क दिखें। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक आई शेडो। इसके बाद मैं यहाँ पे अब ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का मेकअप कंसीलर, शेड है 03। इसे अपने आईलिड पे और अंडर आइज एरियाज पे लगाऊंगी और इसे फिंगर टिप्स की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी, क्योंकि आइज़ काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो ऐसे में अपने फिंगर टिप्स से ही कोशिश करिए कि आप इसे ब्लेंड करें। इसके बाद अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ईयरबड में थोड़ा सा कंसीलर लगा के अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। इसके बाद अब मैं आई शेडो अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आउटर कॉर्नर और क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए रेड कलर चूज़ किया है मैंने, क्योंकि साड़ी में रेड एंड गोल्डन कलर भी है तो ग्रीन कलर एक्चुअली ज़्यादा डार्क हो जाता, तो मैंने यहाँ पे रेड गोल्डन ही चूज़ किया है यहाँ पे। तो रेड कलर से मैं अपने आउटर कॉर्नर्स और क्रीज एरिया को डिफाइन करूँगी। तो मैंने यहाँ पे मैंने अपने आउटर कॉर्नर और क्रीज एरिया पे रेड आई शेडो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद अब मैं अपने दूसरे आई शेडो पैलेट में से गोल्डन कलर चूज़ कर रही हूँ और इसे मैं अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। तो अब मैंने अपने दोनों आईलिड पे गोल्डन कलर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं अपने ग्लिटर आई शेडो पैलेट में से ग्रीन कलर का ग्लिटर ले रही हूँ और जहाँ पे मैंने गोल्डन शेड लगाया है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं ग्रीन कलर का ग्लिटर अप्लाई करूँगी। तो अभी मैंने अपने दोनों आईलिड्स पे ग्रीन कलर का ग्लिटर लगा लिया। इसके बाद अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मस्कारा। मैंने अपने LSS में 2 से 3 कोट मस्कारा लगाया है। उसके बाद मैं प्लकर की हेल्प से इसे कर्ल कर रही हूँ ऊपर की तरफ।
अब मैं अपने आँखों में काजल अप्लाई करने जा रही हूँ, तो अपनी लोअर लैश लाइन और अपर लैश लाइन दोनों पे काजल लगाएं। अब मैं जा रही हूँ आईलाइनर अप्लाई करने, तो जिन लोगों को आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता उनके हाथ कांपते हैं आईलाइनर लगाते समय, तो आप अपने हाथ को किसी चीज़ का सपोर्ट दे दें या फिर अपने फिंगर्स को अपने चिक्स पे रख के ही आईलाइनर को लगाएं, तो आपके हाथ जो है मूव नहीं करेंगे और आपका आईलाइनर आसानी से लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने दो फिंगर को अपने चिक पे रख के अपने हाथ का बैलेंस बना के फिर आईलाइनर लगा रही हूँ, तो इस तरीके से हमारा हाथ कांपता नहीं है और हमारा आईलाइनर अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इसके बाद मैं रेड शेड ले रही हूँ और अब इसे अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, जिससे कि हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए और बहुत ही खूबसूरत आईज हो जाए हमारी। तो अब मैं अपने फेस का मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कंसीलर से ही आज अपना पूरा मेकअप करने वाली हूँ, तो बहुत ही ज़रा ज़रा सा मैं अपने पूरे फेस पे कंसीलर लगा लूँगी और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो कंसीलर को भी मैं अपने फिंगर टिप से ही टैप टैप करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ बहुत ही लाइट पिंक शेड, और इसे अपने चिक्स बोन पे लगा के मैं अपना ब्लश क्रिएट करूँगी। इसे आप जितना अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे उतना ही ये ब्लश आपका नेचुरल लगेगा, सो ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अपना लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ, तो ये मैट मी का रेड लिपस्टिक है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, तो सबसे पहले मैं वाटरप्रूफ लिपस्टिक को लगाने के लिए अपनी आउटर लाइंस क्रिएट करती हूँ, उसके बाद उसमें लिपस्टिक को फिल करती हूँ। तो जब भी आप वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाते हैं तो आप उससे पहले आउटर लाइन क्रिएट करें, उसके बाद लिपस्टिक को फिल करें, और लिपस्टिक जब भी आप लगाते हैं तो बहुत ही उसका कम प्रोडक्ट लें, उससे आपका जो लिपस्टिक होता है वो पैची और क्रैक नहीं होता है, सो इस बात का आप ध्यान दें। तो अब मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, तो इसे मैंने अपने नोज़ पे और लिप्स जहाँ पे मैंने वी क्रिएट किया है वहाँ पे, और अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा डिफाइन करने के लिए आईब्रोज़ के जस्ट नीचे और फोरहेड पे और चिक्स बोन पे जो जितने भी फेस के हाइएस्ट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया है। तो अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही पतली सी लेयर निकाली है और एक डिफरेंट और बहुत ही इजी सा हेयर स्टाइल है ये, इसे आप 1 मिनट के अंदर इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे आप हाई पोनीटेल बनाते हैं आपको वहाँ तक अपने बालों को ले जाना है और सिंपल सा नॉर्मल जूड़ा बनाना है, और जूड़े के ऊपर आपको रबर बैंड लगाना है। उसके बाद बालों को थोड़ा सा फैला लेंगे तो थोड़ा हैवी जूड़ा लगेगा। उसके बाद अपने बालों को आगे की तरफ थोड़ा पुश कर देंगे तो पफ क्रिएट हो जाता है जो कि थोड़ा अच्छा लुक देगा। और
तो यहाँ पे जूड़ा जो हमारा नीचे की तरफ ना है, इसके लिए मैं यहाँ पे बॉबी पिन लगा रही हूँ। आप चाहें तो बॉबी पिन या फिर यू पिन की हेल्प से इसे ऊपर की तरफ पुश कर सकती हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने मांग टीका को सेट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस बना के अपने मांग टीका को अंदर मैंने बालों में फंसा दिया है। ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये हमारे बालों में जाके फंस गया है। उसके बाद अपनी लेयर्स को मैं एक साइड कर दूंगी। और अब मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अप्लाई करने जा रही हूँ, वो है हमारा सिंदूर। उसके बाद अब मैं ये आर्टिफिशियल गजरा जो है हेयर एसेसरीज़ वो अप्लाई कर रही हूँ, और इसके दोनों साइड को मैं बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन बिंदी अप्लाई कर ली है, उसके बाद मैंने अपनी चूड़ियाँ भी पहन ली। और अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है हमारा मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र पहनना बिल्कुल भी ना भूलें, करवा चौथ फेस्टिवल हो या कोई सा भी फेस्टिवल हो, मंगलसूत्र ज़रूर वेयर करें अगर आप मैरिड हैं तो। तो ये रहा मेरा बिल्कुल फाइनल लुक। तो आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।